नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज। मैं हूं मानवीर सिंह। देखेंगे आज की बड़ी खबर। पाल समाज ने एक ठाकुर परिवार पर ढाया कहर, धारदार हथियारों और लाठी डंडों से पूरे परिवार को किया अधमरा, घर की औरतों और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। जुजारनगर थाने का है मामला। पुलिस पर लगे पक्षपात करने के आरोप। यह मामला छतरपुर जिले के जुजारनगर थाना अंतर्गत ग्राम टिकरी का है, जहाँ पर 28 नवम्बर की सुबह 8 बजे करीब पाल समुदाय के बुद्धू पाल, राकेश पाल, लक्ष्मण पाल, रामाजी पाल सहित सैकड़ों लोग एकजुट होकर आए और ठाकुर परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियार से जमकर मारपीट की, जिसमें जगमोहन सिंह, भागवत सिंह, रविकरण सिंह, अवध प्रताप सिंह को गंभीर चोटें आई, जिन्हें बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार जारी है। FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे पीड़ित परिवार खौफ के साए में जिंदगी जी रहे हैं। आरोपी अभी भी धारदार हथियारों के साथ घर के आसपास ही घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2 बच्चियों की शादी है, लेकिन पुलिस के पक्षपात करने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता अनिता सिंह ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक से की है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कहीं दिखाते हैं? हाँ, नहीं खोल पट्टी तो ले मनोज। छोटे चेक कहाँ से आई? कहाँ चल से आई? क्या हो गया? क्या हो गया आपके? अब यही तो लड़ाई सम्मान सबकी हो गई, तो अपने बच्चा भीतर करी है, सब नहीं निकल पाते हैं। अब घर से घर दरवाजा लागू है, छत में बैठती हैं बच्चियाँ, गाँव में सब बैठती हैं, फरसा घिस घिस के सुना रहे हैं कि निकले अपने अपने बच्चा, हम अंदर करे हैं, बाहर निकल के तो चार जुमले घर बैठा है, उसका वहाँ बैठा है, तो हम निकलते तो हमारे बच्चों को मार डालेंगे, तो हम अपने डरेंगे, मारे जान भर को नहीं निकल रहे, सबको अंदर करे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? राजपाल और भगवान दास और लक्ष्मण, श्यामलाल, श्यामलाल ने तो बचाओ, बुढ़े हमारे 70 साल का आदमी बुढ़ा जो है तो सच है, और लड़के बच्चे वाले भी सच कहेंगे। हमारा बस इतना प्रयास कर दो, हमारे लड़का बच्चा बाहर निकल पाए। क्या ये आपराधिक प्रवृत्ति के है क्या, जो आपको मारपीट कर? अब हमारे तो कुछ ना रहा, होने का हो तो निकल गए, लड़का बच्चा है, अब सुन मारते हम तो ये देहात के, ना तो हम पढ़े लिखे, ना हम कुछ जानते, हम तो अपने बच्चा समान सबको लुकाए अंदर करे, तो आप के ऊपर सबके छोड़ देते कि इतना उनसे कह दे कि बारीगर को सुनाते हैं, तो पुलिस सुनती नहीं, उतना लाठी चली थी, तो 100 बार फोन किया था, जब धरती में जमीन में हम आदमी मिल गए तब उनने आई पुलिस, अब कहाँ हमारे 10 जने हैं, कहाँ उस 100 लाठी टूटी, तो हमारे बच्चे क्या करें, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी आप कहाँ आई हैं, आपको क्या आश्वासन मिला? अब उनने तो ये समझो कुछ का हो नहीं, का हो इनके फोन करते हैं, हम कुछ कुछ करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और अब जैसा ये हिसाब में कहा है, ज्यादा बता नहीं, बस इतनी बातें करी हमने, दो बातें। ठीक है, जगमोहन सिंह कहाँ से आओ, क्या समस्या हो गई आपको? जयनगर थाना बारीगढ़ ग्राम से आए हैं। हम लोगों का झगड़ा पाल समाज से हो गया था। पाल समाज में सुबह में मॉर्निंग 28 तारीख को हम दिनांक 8 बजे के समथिंग जब वहाँ से लेटिन से खेत से आ रहे थे, तभी उन लोगों ने हमारे ऊपर किसी रंजस वश धावा बोल दिया। धावा बोलने से हम लोगों को पूरी तरह से 5-6 लोग, अवध प्रताप सिंह, रविकरण सिंह, भागवत सिंह का पैट रोक डाला है। घर में घुस घुस के अवध प्रताप सिंह के घर में गए, उन्होंने वहाँ पर जाके पूरी तरह से घर का पूरा सामान तोड़ डाला, और उनका पूरी तरह से शादी वादी वाला जितना सामान था उनको भी पूरी तरह से तोड़ के चल निकल आए, और उसको पूरी तरह से घायल कर दिया, जबकि 30-40 टांका लगे हुए। तो इसके बाद भागवत सिंह अपने दुकान में थे, तभी वो भागवत सिंह को दुकान में जाके वहाँ पर पूरी तरह से उसको पीट पीट के घायल कर दिया, और उसका पैट तोड़ डाला, और फिर इसके बाद मुकेश सिंह को भी बहुत बुरी तरह से मारा, और रविकरण सिंह को भी पूरी तरह से जख्मी कर दिया है,
अब हम लोगों को सकारात्मक जीवन जीना पड़ रहा है क्योंकि हम घर से बाहर। कारण क्या मानने का, क्या बजे रहेंगे? कुछ नहीं, वो अपना अपना धांधली पूरी तरह से बना रहे हैं कि हम लोग अपने गांव में, हम क्योंकि 200-300 लोग उनका ग्रुप है, हम लोग 10-15 लोग हैं, तो पूरी तरह से उन्होंने अपने गांव को ये बना लिया है कि हम ही लोग गांव में रहेंगे, ताकि हम लोगों का जीना भी दुष्भर हो गया, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। आप घर में शादी भी है? हाँ, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर की हम लोगों की सिस्टर और बुआ की शादी है, उसमें भी बहुत गंभीर आशंकाएँ दिख रही हैं कि ताकि बोल भी रहे हैं छतों से कि फरसा दिखा रहे हैं कि हम लोग आपकी शादियों में थाने में गए हैं, थाना प्रभारी जो सुषा जी हैं उन्होंने सूचना विवेचना भी की है, मगर उसमें कुछ राजकुमार SI साहब हैं वो पूरी तरह से विवेचना नहीं कर रहे हैं, वो पाल समाज के पक्ष में दिख रहे हैं। क्या कारण है? अब ये नहीं बता सकते हैं, वो अब उनका जो मैटर हो ये नहीं बता सकते हैं कि किस तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे कहा, हम लोग एडिशनल SP से यहाँ पर आके जाके मिले हैं और अपना सूचना जो भी हमारा बना हुआ था हमने उनको दिया है, और उन्होंने बोला भी है कि आपके यहाँ कोई भी लड़ाई आशंकाएँ नहीं होंगी, हम थाना प्रशासन को बोलते हैं, बस यही सूचना। धन्यवाद।